हाई टुडे इज टेंथ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी लेटेस्ट है क्विक ब्रीफ ऑन टुडे इज न्यूज पेपर लुक एट दिस हेडलाइन निर्भया केस कॉन्विक्ट फाइल क्यूरेटिव प्लीज निर्भया केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कॉन्विक्ट को डेथ कैपिटल पनिशमेंट अनाउंस किया है ना इनमें से दो लोगों ने क्यूरेटिव प्ली फाइल किया है वट डज इट मीन बाय दिस क्यूरेटिव प्ली सी कोर्ट एक अगर जजमेंट दे रही है तो उसके अगेंस्ट सबसे पहले आप एक रिव्यू पटिशन फाइल कर सकते हैं रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉन्विक्ट रिजेक्ट कर दिया देन दे कैन फाइल क्यूरेटिव पटिशन इसके बाद एक फाइनल एक और चीज होती है वो होती है मर्सी अपील टू प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास स्पेशल पावर्स है इन सब होने का पर्पस ये है रिव्यू क्यूरेटिव मर्सी अपील इसका पर्पस ये है कि हम एब्सोल्यूट जजमेंट प्रोवाइड करें जो जस्टिस हो वो फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट इज अ फाइनल पनिशमेंट इसलिए हम ये सारे सेफ रखते हैं कि जो जस्टिस हो वो हमारा फेयर जस्टिस हम डिलीवर करें नौ जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास आर्टिकल 72 के अंदर या तो ये पार्डन ग्रांट कर सकते हैं इस अपील टू प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट केस को एक फेयर और न्यूट्रल और फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखते हैं पार्डन में अगर प्रेसिडेंट पार्डन देते हैं तो कॉन्विक्ट कंप्लीटली फ्री हो जाता है स्कॉट फ्री होता है वो देन रिप्राइव में टेम्प्ररी सस्पेंशन होता है रिस्पाइट में लेसर सेंटेंस ऑन स्पेशल ग्राउंड कॉन्विक्ट को दिया जाता है रेमिशन का मतलब होता है लेसर द अमाउंट अमाउंट कम करना उस सेंटेंस का विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड कॉम्युटेशन का मीनिंग होता है चेंज दी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट सी कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं राइट टू लाइफ बट ये राइट टू लाइफ कैन बी टेकन अवे इन बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो ये सारा है जो है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये रूल ऑफ लॉ है और इसके फॉलो करके वी कैन टेक द लाइफ अवे ऑफ दीज सो दिस इज हाउ अवर जुडिशरी एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क अब ये एक रेयर रेमेडी हैुर्रा के आई थी अ पार्टी कैन टेक ओनली टू लिमिटेड इन पटीशन पहला कोर्ट बिफोर द एडवर्स जजमेंट वॉज पास जो दूसरा ग्राउंड है वो ये है कि द जज वॉज बा क्यूरेटिव पटिशन विच फॉलो द डिसमिस पिटीशन इज द लास्ट लीगल एवेन्यू ओपन फॉर कॉन्विक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट अगर ये क्यूरेटिव पटिशन फेल होती है तो ये प्रेसिडेंट के पास मर्सी पटिशन के लिए जा सकते हैं मर्सी पटिशन फेल होती है तो ये ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी में दे वुड बी हैंग्ड सो दिस इज पेज नंबर वन नाउ लेटे मूव टू पेज नंबर टू दिस इज पेज नंबर टू ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये एक एलिफेंट लक्ष्मी है इसका जो माहौत था वो उसको जो दिल्ली पुलिस थी उसने इस माहौत से इस एलिफेंट को रेस्क्यू किया था और इसको सेंड कर दिया एक एनिमल शेल्टर में एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर में नाउ ये जो माहौवत है इसने कोर्ट में गया और कोर्ट में इसने फाइल किया हैबियस कॉर्पस नो अबाउट दिस रिट्स ये जो हैबियस कॉर्पस है इसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी कहाँ पर यह एलिफेंट उसको लेके आओ बट एपेक्स कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू एंटरटेन इट्स प्ली लेट इस नो अबाउट द रिट पटिशंस रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू कर सकती है आर्टिकल 32 के अंदर और जो हाई कोर्ट होती है इसके पास एक वाइडर गैमेट होता है ये आर्टिकल 226 के अंदर रिट पटिशन फाइल एक्सेप्ट कर सकती है जो रिट पटिशन होते हैं ना ये पांच टाइप की होती है पहला होता है हेबियस कॉर्पस इसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी सेकेंड होता है मैंडेमस मतलब डू योर ड्यूटी वी कमांड थर्ड इज़ प्रोहिबिशन ये काइंड ऑफ स्टे ऑर्डर होता है जो हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को देती है स्टे ऑर्डर लग गया है सर्टियरिरी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट और को वॉरंट होता है वॉट इज योर अथॉरिटी बाय विच अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर आपकी अथॉरिटी क्या है इस ऑफिस में बैठने की सो so, ये जो रिट पटिशन है ये इसलिए लाई गई है ताकि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है इनके फंडामेंटल राइट को हम सेफ गार्ड कर सकें आर्टिकल थर्टी टू में सुप्रीम कोर्ट मैंडेट है बाउंडेड बाय लॉ है कि उसको आपकी रेट पेटीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आर्टिकल थर्टी टू में और जो हाईकोर्ट है कोर्ट का जो गैमेट है वो ज्यादा है वो ज्यादा केसेस में रेट पटिशन टू ट्वेंटी सिक्स के अंदर एक्सेप्ट कर सकती है सो दिस इज पेज नंबर टू नाउ लुक एट दिस कॉग्निजेबल क्राइम इन टू थाउजेंड एटीन ज इट मीन बाई कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्नेजेबल क्राइम वॉट डीन बाई बेलेबल एंड नॉन बेलेबल क्राइम कोग्निजल का मतलब होता है पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन सो दिस इज कॉग्निजेबल क्राइम उन सब क्राइम्स में जब पुलिस बिना वॉर के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है और उसको एफ आई आर करना पड़ेगा सो दैट दोबल क्राइम कॉग्निजेबल क्राइम जो होते हैं ये सीरियस टाइप के क्राइम्स होते हैं लाइक मर्डर एटसेट्रा और जो नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं वो थोड़े लेसर सीवियरिटी के क्राइम्स होते हैं नाउ बेलेबल वो होते हैं कि अगर क्राइम किया है तो उसमें आपको बेल मिल जाएगी तो वो बेलेबल क्राइम है अगर बेल नहीं मिलेगी तो वो नॉन बेलेबल क्राइम है सो दिस इज पेज नंबर थ्री नाउ लुक एट पेज नंबर फोर दिस इज पेज नंबर फोर दिस इज पेज नंबर फाइव

इन सब में ऐसी पेंटिंग करके उनको ब्यूटीफाई करने का परपज है तो यहाँ पे इन्होंने अब्दुल अब्दुल कलाम साहब का यहाँ पे पिक्चर बनाया है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इलेवंथ प्रेसिडेंट थे ही वॉज एन एरो स्पेस साइंटिस्ट मिसाइल मैन बोलते हैं इन्हें ही अ टीचर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बींग नाउ लुक एट हर डिक्लेयर गोवा सेंचुरी रिजर्व गोवा सेंचुरी रिजर्व जो टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन होता है ना वो होता है एन टी सी ए वाइल्ड लाइफ एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें देश के जो भी टाइगर्स हैं उनका पॉपुलेशन उनका कंजर्वेशन उनके लिए कॉरिडोर हैबिटेट ये सारा काम आता है टाइगर कंजर्वेशन में और वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर किया जाता है एक टाइम था जब फोर्टीन इलेवन टाइगर्स वर लेफ्ट नाउ वी आर हैविंग अराउंड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड समथिंग टाइगर्स इन अवर कंट्री सो प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सक्सेस Now, जो टाइगर होता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेवेंटी टू में शेड्यूल वन का एनिमल है तो इसको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है अब बायोस्फेयर टाइगर रिजर्व सेंचुरी नेशनल पार्क इसमें क्या डिफरेंस है क्विकली अगर ब्रॉडली हम देखें तो सेंचुरी थोड़ा लीनियंट होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है यहाँ पे मैन ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड वे में अलाउड होती है नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड एट ऑल और जो बायोस्फेयर होता है यहाँ पे ट्राइब्स और नेचर एनिमल ये सब मिलजुल के एक जगह पे रहते हैं ये मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशंस का उसके अंतर्गत बायोस्फेयर फॉर्मेशन होता है इसमें कोर एरिया होता है बफर एरिया होता है जो बायोस्फेयर दिस इज़ बायोस्फेयर और जो टाइगर रिजर्व होते हैं ये स्पेसिफिकली टाइगर ओरिएटेड होते हैं और ये ओवरलैप भी करते हैं स्टैंड अलोन नहीं होते हैं ये सो दिस इज़ पेज नंबर सेवन दिस इज़ पेज नंबर एट ये रंगोत्सव सेलिब्रेशन है ये सेलिब्रेशन में स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग किड्स इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन ये कल्चरल शो की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे नो ये मुंबई बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज़ पेज नंबर एट नो दिस इज पेज नंबर नाइन दिस इज पेज नंबर टेन एडिटोरियल माइनिंग डीप कोल माइनिंग इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड काइंड ऑफ मोनोपोली थी अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लिए हैं कोल माइनिंग सेक्टर में उन्होंने कोल माइनिंग सेक्टर ओपन कर दिया है फॉर अदर पीपल टू पार्टिसिपेट इन दैट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कोल इंडिया बट एट द सेम टाइम हमें कोल इंडिया का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जरूरत है बिकॉज कोल इंडिया में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और ये नेक्स्ट बी एस एन एल नहीं बनना चाहिए सेंट्रल्स डिसीजन टू लिबरलाइज नॉर्म्स फॉर एंट्री इंटू कोल माइनिंग एंड रिलैक्स रेगुलेशन ऑन माइनिंग एंड सेलिंग कोल इन द कंट्री इज सिग्निफिकेंट इन मैनी रेस्पेक्ट रिलैक्स किया है माइनिंग करने में और फिर उसको सेल करने में ये दोनों रिलैक्सेशन दिए हैं तो ये मिनरल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 कैबिनेट लेके आई है इसमें जो पहला चेंज है वो है एनी वन विद फाइनेंसेज एंड एक्सपर्टीज टू बिड फॉर ब्लॉक्स एंड सेल द कोल फ्रीली टू एनी बायर ऑफ देयर चॉइस किसी के पास भी एक्सपर्टीज है पैसा है तो वो बिड कर सकता है कोल ब्लॉक्स के लिए और वो कोल को फ्रीली किसी भी बायर को सेल कर सकता है अभी तक ये केवल रिस्ट्रिक्शन था कि जिसके पास पावर है आयरन स्टील कोल वॉशरी बिजनेस है वो ही केवल कोल माइंस के लिए बिड कर सकते थे नाउ इट इज ओपन फॉर एवरीबडी सेकेंड सेकेंड जो चेंज है वो है एंड यूज रिस्ट्रिक्शन का इनहिबिटेड द डेवलपमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक मार्केट फॉर कोल द ऑर्डिनेंस एसेंशियली डेमोक्रेटाइज द कोल इंडस्ट्री एंड मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर मर्चेंट माइनिंग कंपनीज जैसे कि मल्टी हैं बी एच पी रियोटेंटो ये सब ये लोग यहाँ पे एफ डी आई ला सकते हैं कोल माइनिंग सेक्टर में तो एंड यूज एग्रीमेंट चेंज हो गया है और ये माइनिंग जो कोल बेड है कोल ब्लॉक्स है इसका माइनिंग अब ओपन टू एवरीबडी है देखो इंडिया में हम 235 मिलियन टन कोल का हमने इंपोर्ट किया इसमें से 100 मिलियन टन तो ऐसा था कि उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं था बिकॉज कोल की क्वालिटीज होती है एंथ्रासाइड बिटोमिनस लिगनाइट पीट तो इंडिया में एंथ्रासाइड ज्यादा है नहीं तो हंड्रेड मिलियन टन तो ऐसा था कुकिंग कोल एंड एट्सेट्रा जो हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं बट 135 मिलियन आउट ऑफ दिस 235 थर्टी फाइव वॉज लाइक दैट कि ये हम अपनी लोकल माइन से निकाल सकते थे तो अगर ये 135 भी कम हो गया तो हमें केवल 100 मिलियन टन ही इम्पोर्ट करना पड़ेगा और ये काफी हमारा फॉरेन एक्सचेकर को हेल्प करेगा प्लस इससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे सेट डिमांड इन क्रिटिकल सेक्टर सच एज माइनिंग इक्विपमेंट हैवी कमर्शियल व्हीकल ये एक चीज डेवलप होगी तो इसके पेरीफरी में एन नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी सोफेस्टिकेटेड माइनिंग टेक्नोलॉजी आएगी अंडरग्राउंड माइंस में ये जो इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी ये अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगी दिस इज द बेनिफिट ऑफ एफ डी आई विटलिंग द टाइम टेकन फॉर अप्रूवल ईजिंग द प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस नाउ इट्स की हमें जरूरत है अब जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली का तो ये मोनोपोली तो कम होगी सी जो है ये महारत्न पी एस यू है बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली भी तो सी को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जैसे बी एस कॉम्प्रोमाइज हुआ टेलीकॉम सेक्टर ओपन होने पर और इट हैज टू बी नर्चर्ड इवन एज प्राइवेट प्लेयर्स आर वेलकम दिस शुड बी अवर एंड गोल सो दे हैव हियर टॉक्ड अबाउट द माइनिंग कोल नाउ दिस इज़ अबाउट अ कॉन्टिनेंटल फायर ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो रहा है बिकॉज वहाँ पर समर सीजन है रेनफॉल नहीं हुआ है ड्रॉट लाइक कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बुश फायर और ये वाइल्ड फायर काफ़ी टाइम से वहाँ पर चल रही है और इसका इतना बड़ा एरिया है दे आर टेन मिलियन हैक्टेयर ऑफ लैंड यहाँ पे हुई है दिस इज मच मच बिगर देन अमेजॉन और कैलिफोर्निया फायर दिस इज अवज फायर और इसमें ट्वेंटी फाइव पीपल एंड टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स कोला कैंगरू इन सब को इवैक्ट किया है मैनी ऑफ देम हैव बीन डाइड सो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन ये काफ़ी एन्वायरमेंटल सेंसिटिव नहीं माना जाता था इन्हें इनकी पॉलिसीज़ में बट नाउ इट इज़ द टाइम कि हमें एनवायरमेंट को अब कंसिडर करना पड़ेगा इन पॉलिसी मेकिंग द करंट फायर सीजन प्रेजेंट अ क्रॉस रोड एंड अ वाइज चॉइस वुड बी टू मूव टू अर फ्यूचर वन दैट स्ट्रेंथन एंड ऑलरेडी डाइवर्स इकोनोमी थ्रू इनोवेशन ऑस्ट्रेलिया की एक और बात है यहाँ पे कोल इंडस्ट्री है और कोल इंडस्ट्री बहुत पॉल्यूटिंग है और एनवायरमेंट भी डैमेज होता है सो दे आर थिंकिंग टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस कोल माइनिंग एरिया नाउ ये जो है प्रोड्यूसिंग अ टेंडर बॉक्स इफेक्ट अक्रॉस द लार्ज मरे डार्लिंग बेसन ये दो रिवर्स हैं इधर बहुत ज्यादा स्पिल ओवर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल चेंज एंड द पॉलिसीज ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी द नंबर ऑफ हॉट डेज एंड वेरी हॉट डेज ईच ईयर हैव इज ऑन राइज सो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑस्ट्रेलियंस एंड अ फ्यूचर फॉर इट्स करिजमेटिक एनिमल्स कैन बी सिक्योर्ड ओनली थ्रू पॉलिसीज दैट फॉस्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सो इन्होंने ओवरऑल एक मैसेज दिया है कि क्लाइमेट चेंज इज रियल और ऑस्ट्रेलिया की ये जो फायर है इससे हमें सीखना चाहिए एंड वी शुड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज इन अवर इन अवर इकोनमी एंड इन अवर कंट्री अ नेशन लूजिंग डेमोक्रेटिक स्टीम ये कनक मणि दीक्षित है इन्होंने लिखा है जो रिसेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनल मैटर्स में जो डिसीजनस लिए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जम्मू एंड कश्मीर इशू तो इससे इंडिया की डेमोक्रेसी में इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो क्वेश्चन उठा रहे हैं this is about cds and the path of two jointmanship department ye ministry of defense hai ministry ke defense ke andar bana department of military affairs aur isko head karenge chief of defense staff aur ye jo DMA me hoga ye tri services ko head karega now इसका purpose ये है कि हम एक jointmanship laaye different different hamare jo wings hai air force navy और army में So, यहां पे ये लिखा है कारगिल रिव्यू कमेटी आई थी 2001 में सीडीएस होगा में सी इक्वल इन व्हाट ही इन कंसल्ट एंड द द व्यूज ऑफ़ सर्विस बट द फाइनल जजमेंट विल बी द सीडीएस अलोन एंड ही विल बी द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री सी सीडीएस क्या होगा सीडीएस होगा प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री द कन्फाइंड टू द

मैटर्स इन्वॉल्विंग ऑल थ्री सर्विसज एंड द सर्विस चीफ विल बी ऑबलाइज टू कन्फाइन देअर काउंसिल टू इशूजिंग टू द रेस्पेक्टिव सर्विस तो सारे सर्विस चीफ होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के ये सारे होते हैं फोर स्टार जनरल सी डी एस भी फोर स्टार जनरल ही है बट ये फर्स्ट अमंगल सम इसे कह सकते हैं तो so, इनका जो बेसिकली काम है वो है एडवाइजरी रोल का जनरल रावत विल एन्जॉय द रैंक ऑफ सेक्रेटरी विद इन द DOD and his एंड will be विल बी only the ओनली द रेवेन्यू बजट ही इज वेस्टेड विद द prioritizing इन inter द इंटर सर्विस as डिसीजन chair परमानेंट चेयर मैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये जो सी ओ एस सी है इसमें पहले रोटेटिंग बेस में जो सीनियर मोस्ट चीफ होता था वो इसको हेड करता था बट अब जो सी डी एस है वो इसका परमानेंट चीफ रहेगा नॉट एन्जॉइंग एनी कमांड ऑथॉरिटी मीन्स कमांड ऑथॉरिटी नहीं रहेगी मिलिट्री कमांड्स एंड ऑल इन हिस कैपेसिटी इज डी ओ एम ए ही विल वील्ड कंट्रोल ओवर बट ये जो है ना जैसे प्रमोशन हुआ ट्रैवल हुआ अपॉइंटमेंट टू की पोस्ट हुआ ओवरसीज असाइनमेंट हुआ ये सब काम सी डी एस करेगा बट कमांड अथॉरिटी नहीं रहेगी उसके पास सी डी एस विल एन्जॉय और बिकॉज ये सब चीज़ें सी डी एस के पास है तो इनडायरेक्टली उसके पास काफ़ी इन्फ्लुंस रहेगा ट्राई सर्विस के चीफ्स के ऊपर एडवाइजरी रोल रहेगा इसका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में एन सी ए में fundamentally the CDS will perform two roles as the single point military advisor to the defence ministry and the head of department of military affairs now यहाँ पे इन्होंने बात किया है CDS ने आते ही start किया air defence command करने का air defence command से क्या होगा nationwide coverage होगा और ये prevent करेगा fratricide जो अभी recently हमने देखा था air force का एक helicopter हमारे खुद के fire से ही destroy हो गया था तो इसको बोलते हैं fratricide इससे अगर एयर डिफेंस कमांड नेशनल लेवल पे वर्क करेगा यूनिफाइड तो ऐसे जो फ्रेट्रीसाइड या एक्सीडेंट्स होते हैं वो हम स्टॉप कर सकते हैं जॉइंटमैनशिप आएगी इन एयर डिफेंस ऑपरेशन सिनर्जाइज करेंगे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट लॉजिस्टिक्स मतलब आर्मी को ऑपरेट करने के लिए जो बैकएंड सपोर्ट चाहिए होता है लॉजिस्टिक्स वेपन्स एंड ऑल एवरी थिंगे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना इसमें ड्युप्लीकेसी को अवॉइड करना है और ये प्रोक्योरमेंट ईजी होना चाहिए तो इससे synergy, synergy आएगी इन लॉजिस्टिकीन चैलेंजेस क्या है इनके पास पहला तो है देर आर कंसर्नस ओवर मैटर्स रिलेटिंग टू सर्विस पैरॉक्यलिज्मी नो इनिशियल इंडिकेशन इन दिस रिगार्ड इफ ही प्रिवलेजेज सपोर्ट फॉर द आर्मी इसकी पेरेंट सर्विस तो जो बाकी नेवल और एयरफोर्स चीफ है वो नेग्लेक्ट फील कर सकते हैं देखो इसका ये मीनिंग है कि जो आर्मी चीफ आ रहे हैं जनरल बिपिन रावत ये आर्मी से हैं तो ऐसे इन पे और आर्मी के बाद ये इन्फेंट्री से भी हैं सो so, ऐसा हो सकता है कि ही इज इज आर्मी इन्फेंट्री दिस शुड बी अवॉइडेड एनी पैरोकियलिज्म कुड पोटेंशियली डी रेल द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द मोटिंग एनर्जी एंड शेपिंग एक्विजिशन प्रायोरिटीज बोथ विद इन एंड बिटवीन द सर्विसेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड डुप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इनवेंट्रीज इसको हमें स्टॉप करना है बट द सीरियस रोल इज नॉट सिंपली अबाउट ट्राई सर्विस कॉपरेशन इट इज इक्वली अबाउट फोस्टरिंग बेटर कॉपरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्यूरोक्रेसी एंड द सर्विस एंड एंश्योरिंग दैट प्रोजेक्टेड एंड प्लैंड एक्विजिशन ऑफ द सर्विसेज डू नॉट एक्सीड कैपिटल एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी मिलिट्री इसके बीच में एक सिनर्जी एस्टैब्लिश होगी सेकेंड चैलेंज है मैन पावर का हमारी आर्मी बहुत बड़ी है आर्मी बड़ी होना इज नॉट सफ़िशिएंट। आर्मी कितनी कैपेबल है वो ज़्यादा मैटर करता है तो हमें नंबर ऑफ पर्सन के बजाय क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वो कितने वेल well ट्रेंड है बिकॉज जो इनका सैलरी है दैट टेक्स अवे लायंस शेयर्स ऑफ डिफेंस बजट इसमें हमें इनोवेशन की ज़रूरत है इन्फेंट्री बेस्ड ऑपरेशन गियर्ड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर के लिए और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सो दे नीड टू बी एडॉप्टिड जो पीपल्स चाइना की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी है वो ए पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है आर्मी मॉडर्नाइजेशन इज देयर सो वी नीड टू मॉडर्नाइज अवर आर्मी एज वेल नाउ फाइनल चैलेंज जो होगा वो ये होगा ही कैन एनकरेज द सर्विसेज टू सपोर्ट इंडिजिनाइजेशन इंडिजिनाइजेशन मतलब हम अपने लॉजिस्टिक्स अपने वेपन्स अपना सपोर्ट सिस्टम खुद इंडिया में अपनी कैपेसिटी से बिल्ड कर रहे हैं इससे हमारा जो बजट है उसको हेल्प मिलेगा और कंट्री की ग्रोथ में भी ये हेल्प होता है कमिटेड एंटरप्राइज टू सपोर्ट द नेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड इवेंशुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन सिस्टम विच वैन प्रोक्योर फ्रॉम अब्रॉड ड्राइव अ मैसिव होल इन द बजट ये बहुत अच्छा आर्टिकल है

ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर में एक लिनक्स होता है लिनक्स काइंड ऑफ ओपन सोर्स सिस्टम है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज होती है तो ये प्रोप्राइटरी माइक्रोसॉफ्ट की है और लिनक्स में बहुत सारे डिस्ट्रोज आ जाते हैं उबुन एंड फेडोरा एट्सेट्रा एट्सेट्रा जिससे हाइपर लूप है हाइपर लूप भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है इसमें वर्जन हाइपर लूप अपना हाइपर लूप बना रही है अगर मेरे पास कैपेसिटी है मैं अपना वर्जन बना सकता हूँ हाइपर लूप का सो दिस इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सो वी नीड मोर एंड मोर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बिकॉज जो गुड थिंग्स हैं दैट शुड बी शेयर विद एवरीबडी विदाउट एनी कॉस्ट इससे जो ऑन्टरप्रनोर हैं और जो नया क्रिएटिविटी है इनोवेशन है उनको इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से बहुत हेल्प मिलता है नाउ दिस इज अबाउट पेज नंबर इलेवन दिस इज पेज नंबर ट्वेल्व इंडिया श्रीलंका होल्ड प्रोडक्टिव टॉक्स देन दिस इज पेज नंबर थर्टीन दिस इज़ पेज नंबर फोर्टीन ई यू काउंसिल चीफ डिफेंस ईरान डील आफ्टर ट्रम्प कॉल टू क्विट यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन यूनियन ने पी फाइव प्लस वन के साथ ईरान के साथ डील किया था टू थाउजेंड फिफ्टीन में डी न्यूक्लियराइज करना था और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान का है उस पर एक चेक लगाना था ये एक बहुत अच्छा स्टेप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन था इससे जो वेस्ट एशिया है उसकी पीस एंड स्टेबिलिटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता बट यू एस ने इससे पुल आउट कर लिया अब बिकॉज यूएस ने पुल आउट कर लिया तो ये एंटायर ईरान डील भी अब इट इज इन ट्रबल और ईरान ने अब कहा है कि बिकॉज अभी जनरल पे जो assassination हुआ उसके बाद ईरान भी इससे पुल आउट कर रहा है सो so, इधर चार्ल्स माइकल इन्होंने ये कहा है कि ईयू काउंसिल को इस डील को सेफ करने की जरूरत है यूरोपियन यूनियन शुड कॉन्टिन्यू बिकॉज जो यूरोपियन यूनियन है ना इसके अच्छे टर्म्स हैं ईरान के साथ भी और इसके अच्छे टर्म्स हैं यूएसए के साथ भी तो दे कैन एक्ट एज अ ब्रिज टू डी टेंशन पीस शुड प्रिवेल वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस नो एम पीज अप्रूव ब्रेग्जिट बिल यू केनवरी थर्टी वन एग्जिट ये क्या स्टोरी है यूके का ब्रेग्जिट का सी यू के पार्ट था यूरोपियन यूनियन का बट इनको ऐसा लगता था कि हम यूरोप में रह रहे हैं तो इट इज ड्रैगिंग अस बिहाइंड ये एक बर्डन हो रहा है हमारे लिए वी वॉन्ट टू गो सोलो तो इन्होंने एक रेफरेंडम कराया रेफरेंडम एक मिक्स बैग था कुछ लोगों को पसंद था यूरोप के साथ रहना और सम पीपल वॉन्टेड टू गो आउट रेफरेंडम में यह डिसीजन आया कि ब्रेग्जिट होगा ब्रिटेन का एग्जिट होगा यूरोप से अब जब एग्जिट होगा तो उसके लिए एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश है उसको फॉलो करना पड़ता है बट इसी टाइम पे जो ब्रिटेन था यूके था यूके के लोग कंफ्यूज थे थोड़े दे वर नॉट इन अग्रीमेंट कि हम कैसे यूरोप से बाहर आए हार्ड ब्रेग्जिट करें मतलब विदाउट डील और सॉफ्ट ब्रेग्जिट हो मतलब विद डील इसलिए यूरोप में क्लैरिटी नहीं थी और इसी क्लैरिटी के एब्सेंस में वहां पे तीन प्राइम मिनिस्टर आ गए कैमरोन देन में एंड देन बोरिस जॉनसन देन बोरिस जॉनसन जो नए अभी प्राइम मिनिस्टर बने इन्होंने थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी को ब्रेग्जिट का डिसीजन लिया है और ये हो जाएगा बिकॉज इनके पास मेजोरिटी है तो अब ये थर्टी फर्स्ट जनवरी का एग्जिट हो जाएगा इसके बाद भी इट्स अ लॉन्ग रोड टू ट्रैवल सेपरेट डील्स करनी पड़ेगी और इट इज गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग टाइम न जो यूके है ये यूनाइटेड है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है ऐसे ये यूनाइटेड किंगडम्स है किंगडम ऑफ वेल्स किंगडम ऑफ दिस स्कॉटलैंड इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आईलैंड ये नॉर्दर्न आईलैंड एक आइलैंड है द्वीप है यूके के पास इसके नॉर्थ में यूके का कंट्रोल है और साउथ में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है आयरलैंड इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल बैरियर नहीं है अब ये आयरलैंड रहेगा यू में और नॉर्दर्न आयरलैंड रहेगा नॉट इन यू तो इनके बीच में हम ये कैसे डिसाइड करेंगे मूवमेंट कैसे होगा दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न नाउ दिस इज पेज नंबर फोर्टीन दिस इज पेज नंबर फिफ्टीन टाटा मोटर्स सी डिमांड रिकवरी इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पिछले एक दो साल बहुत वर्स्ट रहे हैं वाई बिकॉज डिमांड नहीं आई

के यू वी निकाला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूजअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बैटरी ऑपरेटेड होते हैं रेंज इसकी कम होती है चार्जिंग टाइम इज हाई बैटरी का देन डिस्पोज करना इज़ अ बिग बेडेक तो इसमें ई की यू वी जो ये लेके आ रहे हैं ये काफ़ी चीपर रहेगा और वैल्यू फॉर मनी रहेगा देन दिस इज पेज नंबर सिक्सटीन शोकेज पेज नंबर सेवेंटीन इज शो देन दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट स्पोर्ट्स पेज नंबर नाइनटीन एंड पेज नंबर ट्वेंटी लुकेट हियर अभी जापान में ओलंपिक्स होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स तो ये क्या कर रहे हैं एथलीट्स को ऐसे कार्डबोर्ड वाले बेड्स बनाएंगे वाई बिकॉज ये काफी रोबस्ट है ड्यूरेबल है और ये रिसाइकिल कर सकते हैं जब ओलंपिक कंप्लीट होगा तो ये सारे बेड्स को ये रिसाइकिल कर देंगे इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए रिसाइकल रिड्यूस एंड रीयूज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज पेज नंबर ट्वेंटी So thank you so much for watching today's video. Take care.